जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी है, रूह 1 बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। गुलजार कहते हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी नहीं, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। वह शाम कुछ अजीब थी क्योंकि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, इसलिए हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, आने वाला पल जाने वाला है, चलो फिर दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन। यह है गुलजार, गुलजार जिन्होंने हमें अपने गीतों से गुलजार बनाया है। गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा था, मैं मौसीकी के उसूलों से वाकिफ नहीं, सरगम बोल सकता हूँ, गा नहीं सकता, इसलिए वो तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मियों की लू है, जैसी गहराइयों तक पहुँच पाते हैं। वो परंपरागत नहीं है लेकिन जिंदगी को अपने कुर्ते के कांजों में रोज टांगते हैं। गुलजार के गीत मेरी भावनात्मक यात्रा का एक हिस्सा रहे हैं। वो मेरे बचपन लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा से शुरू होते हैं और किशोरावस्था में जीते हुए याद करने वाले गीतों से संबंधित हैं। गुलजार साहब मेरी ऐसी प्रेरणा है जिन्होंने अपने काम से मुझे हमेशा प्रेरित किया है। वह इकलौते ऐसे बंदे हैं जो हमेशा अपने बेस्ट स्वरूप में रहे, बाकी सबसे 1.5 इंच ऊपर, बाकी सबसे 1.5 इंच दिल के अंदर। 29 की उम्र में वह मोरा गोरा अंग लैले जैसा परिपक्व गीत लिख देते हैं और 75 साल की उम्र में वह कजरारे, बंटी और बबली और कमीने के गीत लिखते हैं। वो कभी वक्त के लिए नहीं रुकते। गोल गोल चलने वाला चरखा उन्होंने चप्पा चप्पा कैसे चला दिया, यह आज भी आश्चर्य लगता है ना। यह गुलजार साहब ही हैं जिन्होंने हमें बताया कि वो जुम्मे के जुर्मे सुरमे लगाती थी। गुलजार साहब ने ही हमें बताया कि जब वो चुन्नी लेकर सोती थी तो कमाल लगती थी, पानी में चलता चराग लगती थी। गुलजार न होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि महबूबा की कमर के बल पर नदी मुड़ा करती है और महबूबा की हंसी सुन सुनकर फसल पका करती है। गुलजार ने हमें बताया कि जब इंसान प्यार करता है तो 116 चांद की रातें तोहफे में दे देता है। वे गुलजार ही हैं जो जगजीत सिंह की आवाज़ में हम तक आते हैं, गुलजार ही हैं जो हमें मीठी नींद सुलाते हैं, वे गुलजार ही तो हैं जिनके गीत हमें हम तक ले आते हैं, और वे गुलजार ही हैं जो अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे में किताबों के जिक्र पर कुछ यूं कह जाते हैं कि अपने घर की किताबों से इश्क हुआ जाता है। दुआ है गुलजार यूं ही गुलजार रहें। जिस्म 100 बार जले, जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी है, रूह 1 बार जलेगी, रूह 1 बार जलेगी तो वो कुंदन होगी।